इस वीडियो में जानते हैं किसान आंदोलन के पक्ष में जो भारत बंद का आह्वान हुआ था, मुजफ्फरपुर के मोती झील कल्याणी चौक पे क्या असर रहता है। अभी हम हैं मोती झील फ्लाईओवर पे और जो सामने सड़क दिख रही है वो तिलक मैदान है। आमतौर पे जब भी भारत बंद या बिहार बंद का आह्वान होता है तो लोग सड़कों से नहीं निकलते हैं और खुद ब खुद बड़े दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं, छुट्टियाँ कर देते हैं, उनके कर्मचारी दुकान नहीं आते हैं। आमतौर पे मोती झील फ्लाईओवर पे काफ़ी भीड़ होता है। आज इक्के दुक्के गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पहुँच गए हैं मोती झील फ्लाईओवर के नीचे। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शोरूम है यहाँ पे। बड़ी बड़ी दुकानों ने सुरक्षा को देखते हुए उनके शोरूम में हानि हो जाती है, बंद करने वाले और बंद के समर्थक तोड़फोड़ भी करते हैं, इस वजह से बड़ी बड़ी दुकानें बंद हैं। श्रीलेदर भी बंद है। वैसे दोपहर के बाद जनजीवन सामान्य हो गया था, बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। जो खुद ब खुद बंद होता है वही बंद हुआ, क्योंकि इस बंद को उतना समर्थन यहाँ मिलना नहीं था। कुछ खास इलाकों में पार्टी वाइज, हर पार्टी के कुछ इलाके हैं, उन इलाकों में ही बंद का असर देखने को मिला। मोती झील मार्केट में चूँकि बाहर से लोग नहीं आ सके तो भीड़ भाड़ नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, ऑटो रिक्शा नहीं चलने की वजह से भी भीड़ कम दिखता है मुजफ्फरपुर में। वैसे मोती झील में तो ऑटो का परिचालन नहीं होता है। बड़े बड़े शोरूम हैं, ये देखिए खालसा, आधी शटर गिराकर है, आंचल भी। बड़ी बड़ी शटरें जो आप देख रहे हैं, ड्यूक का शोरूम भी बंद है आज, डर की वजह से होता है ऐसा। कल्याणी चौक पहुँच गए हैं हम सब। आपने देखा बंद का क्या असर था, सभी इलाकों में यही स्थिति थी। अब बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले से खस्ता हाल है अर्थव्यवस्था की, उसके बाद इस तरह के बंद का आह्वान नहीं होना चाहिए। आंदोलन अपनी जगह पे है, आपकी मांगे अपनी जगह पे है, सरकार से आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, पर दिल्ली को जिस तरह से आपने घेरा है लगता है आप लाहौर पर आक्रमण करने गए हों, अपनी मांगे नहीं मनवा रहे हों, सरकार को हटाने गए हों। आप अपनी मांगे मनवाने से ज़्यादा कुछ और अब डिमांड रखते जा रहे हैं। छोटी कल्याणी रोड में भी बड़ी दुकानें बंद, तो ये हालात हैं आज के। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें मुजफ्फरपुर की खबरों के लिए, अपना ख्याल भी रखें। वैसे आज मुजफ्फरपुर में कार चलाने का दिन था, क्योंकि बाकी दिनों में आप मुजफ्फरपुर शहर में कार लेकर नहीं निकल सकते हैं। अब मैं सती कंप्यूटर पहुँच गया हूँ, जहाँ से कुछ सामान लेने थे। अपना ख्याल रखें, OMG बिहारी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें।